नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में 229 लड़कों की एक नई लिस्ट आई है। इन नई लिस्ट में कौन से लड़के हैं ये जानना आपको ज़रूरी है। काफ़ी आप लोगों में जो ये समस्या है कि क्या ये नए लड़के हैं या उन्हीं लिस्ट में से इन लड़कों को बाहर किया गया है। तो देखिए, जैसा हमने एक पुरानी वीडियो में कहा था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहली लिस्ट में अकाउंटेंट में सेलेक्ट हुए थे, लेकिन उनका बीकॉम डिग्री नहीं था, वो डीवीपीएसटी नहीं देने गए। सेकंड लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, क्योंकि सेकंड लिस्ट में उनका जो नंबर था वो मिनिस्ट्रियल की और कॉन्फिडेंशियल के कटअप से ऊपर था, लेकिन भी उनका नाम नहीं आया था सेकेंड लिस्ट में। तो हमारे कहने पर वो भर्ती बोर्ड गए थे, वहाँ पर जब उन्होंने किया तो बाद में उनका डीवीपीएसटी के लिए लेटर आया, ठीक है, बुलाया गया। जब उन्हें बुला लिया गया तो लास्ट में जब अब टाइपिंग की जब दो लिस्ट जारी हुई थी शुरुआत में, तो उनको ये था कि उनका डीवीपीएसटी एक तरह से हुआ था कि सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंग वो मिनिस्ट्रियल और क्लर्क के लिए उनका होना चाहिए था, लेकिन जब लिस्ट आई तो उनका नाम अकाउंटेंट में था, ठीक है। तो अकाउंटेंट में था तो फिर से वो लोग भर्ती बोर्ड गए। हमने ही कहा कि अगर आपका अकाउंटेंट में नाम है और आपने कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल वाला जो पोस्ट है उसकी भी कट ऑफ आप क्लियर किए थे तो आप जाइए भर्ती बोर्ड से बात करिए। तो उन्होंने ये बात किया और बात करने का ये नतीजा निकला कि एक्स्ट्रा लिस्ट जो नाम से आई है, एक नाम से, उसमें वो बच्चे हैं जो अकाउंटेंट में सेलेक्टेड हैं, लेकिन वह किसी के पास हो सकता है अकाउंटेंट की डिग्री ना हो, उनमें से किसी के पास हो सकता है हो, ठीक है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं कॉन्फिडेंशियल और मिनिस्ट्रियल से, जो एसआई कॉन्फिडेंशियल और एएसआई मिनिस्ट्रियल से उनके मार्क्स ज्यादा हैं, वो 229 बच्चे हैं ऐसे जिनकी नई लिस्ट निकाली गई है। वो 229 बच्चे और कहीं से नहीं आए हैं, वो 229 बच्चे आपके कहां से आए हैं, जो अकाउंटेंट वाली लिस्ट है ना उसमें है, लेकिन उसकी उनके जो मार्क्स है कहीं ना कहीं वो मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल्स के कट ऑफ से ज्यादा है, इसीलिए इनकी एक एक्स्ट्रा लिस्ट बनाई गई है जो ये तीनों में है। हाँ, ये बात ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास बीकॉम डिग्री नहीं है, लेकिन जब ये जाएंगे टाइपिंग में तो हो सकता है इनको चेक किया जाए तो उनमें से उनको उस अकाउंटेंट वाली टाइपिंग न देने को मिले। लेकिन हाँ, ये 229 बच्चे आपके क्या हो जाएंगे, मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल की टाइपिंग देने के लिए इनको लिस्ट ये जारी किया गया है कि भैया आप भी जो है 25 वर्ड और 30 वर्ड पर मिनट वाला जो टाइपिंग है इंग्लिश हिंदी की, उसके लिए आप एलिजिबल हो। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बीकॉम डिग्री नहीं, लेकिन वो अकाउंटेंट के लिस्ट में है, तो अकाउंटेंट वाले निश्चिंत रहो, कोई सीट खाली नहीं जाने वाली है, उनको कहीं ना कहीं किसी स्टेप से बाहर किया जाएगा। और कुछ बच्चे ये अध्याचन लेकर पहुंचे हैं भर्ती बोर्ड कि अकाउंटेंट वाले में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बीकॉम डिग्री नहीं, उसके बाद भी सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो हो सकता है अगर उनके मार्क्स इनसे कम होंगे, ठीक है, वो 229 में नहीं आ रहे होंगे, तो वो बाहर कहीं ना कहीं हो सकता है जाएं, उनको बाहर किया जाए। लेकिन उनमें से अगर किसी के पास बीकॉम डिग्री नहीं है और वो कॉन्फिडेंशियल और मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ से ऊपर हैं, जैसे 229 लोग हैं उनमें अगर हैं, तो वो आपके एएसआई मिनिस्ट्रियल और कॉन्फिडेंशियल की टाइपिंग देंगे, उन्हीं की लिस्ट आई है। वो आपके 900 जो पोस्ट थी, 900 लड़के जो सेलेक्ट हुए थे अकाउंटेंट में, उन्हीं में से ये 229 को, जो इनके कट ऑफ से, मतलब जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फिडेंशियल की कट ऑफ है उससे ज़्यादा इनके मार्क्स हैं, तो इनको उसकी टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं उनमें जो बच्चे थे, मैंने जो कहा था वो हुआ, वो जाके बोले। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ये समस्या है कि उनकी पहले लिस्ट में भी नाम था, ठीक है, उन्होंने अपनी डीवीपीएसटी भी कराया, पास भी हो गए। सेकेंड लिस्ट में नाम था, डीवीपीएसटी कराया, पास हो गया, लेकिन किसी कारणवश उनका इस बार जो टाइपिंग की लिस्ट आई है उनमें, इन तीनों लिस्ट में नाम नहीं है, इन तीनों लिस्ट में नाम नहीं है, वो किस कारण नहीं है, कुछ बोल रहे डॉक्यूमेंट के वजह से नहीं है, लेकिन आयोग ने तो डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही लोगों को बोला था कि एक लोगों को क्या किया गया, खारिज किया कि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था। आप वैलिड रीजन दो, जब उस बंदे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहां फिट पाया गया,
लेकिन लास्ट में जब आप टाइपिंग की लिस्ट निकाल रहे हो तो वहां पे उन बच्चों को आप गायब कर दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको पूरा का पूरा उसका जवाब देना पड़ेगा। कुछ बच्चे इस मामले को लेकर भी भर्ती बोर्ड गए थे तो बोर्ड वालों ने कुछ अलग अलग अपनी राय देना शुरू कर दिया कि आपके पास ये ADCA है, ये नहीं चलेगा, आपके पास ये है। उसमें कुछ ओ लेवल वाले भी बच्चे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है। इसीलिए आप लोग जाते रहिए, बच्चे जा रहे हैं लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में जा रहे हैं। आप बल्क में जाइए, एक साथ होकर जाइए, जितना जल्दी प्रेशर बनाओगे उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसी कारणवश जो बच्चे DBPST में भी पास थे, सेलेक्ट भी थे फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में, ठीक है, किसी दोनों लिस्ट में सेलेक्ट हुए हों और उनका DBPST भी हुआ हो, लेकिन इधर उनका अगर नाम नहीं आया है तो जाए जवाब मांगे आयोग से कि आखिर क्या गलती है। आप पूरी तरह से जवाब दीजिए कि किस वजह से हमें आप बाहर किए हैं, क्योंकि जब आप दबाव बनाओगे तभी आपके सामने रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन हमें इस UPASI से रिलेटेड मिलती है मैं जरूर आपके सामने आऊंगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।